का आता है धनबाद गोमो झरिया धनबाद निर्माण वही झंडा का हो रहा है। हनुमान जी की मूर्ति रहता है, लैस रहता है, तो सब बनाना पड़ता है लगा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मेरा नाम है मनीष कुमार। अभी हम गया शहर के केपी रोड के गया बाजार में हैं और हमारे साथ देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो परिवार है वो जो रामनवमी को लेकर जो है झंडा बना रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से या कब से ये बना रहे हैं झंडा। और बता दें कि 17 अप्रैल को जो है रामनवमी है और सीधे हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एमडी यूनुस नाम हुआ। जी मुस्लिम समुदाय से है और हम लोग रामनवमी में झंडा बनाते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक झंडा बनाते हैं, 20 मीटर का, 15 मीटर का, 10 मीटर का। और जो है बाहर बाहर से आते हैं, झारखंड से आते हैं, धनबाद से आते हैं, सरघाटी से आते हैं, इसी जगह से बाहर। ये काम हम कर रहे हैं करीब 15 से 20 साल से काम हम कर रहे हैं और हमारे पिताजी यहाँ पे काम करते थे, वही झंडा बनाते थे, उनका कला हम लिए हैं और यहाँ पे 15 से 20 साल से काम हम कर रहे हैं, 15 से 20 साल से काम यहाँ पे हम कर रहे हैं और उस समय से बड़े से छोटे से बड़े तक झंडा बना रहे हैं। किस तरह से बनाते हैं आप, क्या क्या इसमें? इसमें हनुमान जी का मूर्ति लगता है और यहाँ पे जो है आपको अच्छा अच्छा लैस लगता है और यहाँ पे घुंघरू लगता है, बहुत सा इसमें सामान लगता है झंडे में जो देखने में खूबसूरत लगता है। मतलब इसकी डिमांड जो है बिहार से लेकर झारखंड? हाँ, इसका डिमांड तो यहाँ से बिहार से झारखंड तक, तभी तो बाहर से आते हैं सिलवाने के लिए। यहाँ पे जो है इसका सिलाई जो है 12 से लेकर 2500 तक सिलाई है, 22 मीटर का झंडा का सिलाई 2500। और हमारे साथ यहाँ पर एक और कारीगर है, ये भी मुस्लिम समुदाय से ही है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। कब से ये बना रहे हैं तिरंगा? 70 बरस से। मतलब इसका डिमांड कहाँ कहाँ है? डिमांड बहुत दूर है, हजारीबाग है, रांची है, नवादिया है, दूर दूर से लोग आते हैं बनवाने के लिए। मतलब अभी से ही ऑर्डर देते हैं? हाँ, ऑर्डर भी देते हैं और खास करके बैठ के बनवा के लेके भी जाते हैं। क्या इसमें देते हैं, कौन से मूर्ति रहती है? हनुमान जी की मूर्ति रहता है, लैस रहता है, तो सब बनाना पड़ता है लगा करके। झंडा का साइज रहता है 20 मीटर 25 मीटर के एक ठो। मजदूरी पूरी मिल जाती है? मजदूरी मिल जाती है। मतलब 60 वर्षों से आपके तो पूर्वज जो वही बनाते हैं? हाँ, जो आता है सब काम सब बना के रखते हैं, देते हैं, चाहे कोई भी काम हो, कैसा हो काम हो, चाहे हनुमान जी के काम हो, झंडा हो, भगवान का कोई भी काम हो, बनाते हैं और बना के देते हैं, पैसा हम लोग को मिल जाता है। मोहम्मद सलीम। हमारे साथ मोहम्मद रशीद हैं और इनसे हम बात करते हैं क्या यह जो है बना रहे हैं। क्या निर्माण कर रहे हैं? निर्माण वही झंडा का हो रहा है। इसका आता है धनबाद गोमो झरिया धनबाद, आपको रांची से भी आता है, बहुत सा झंडा ले जाता है आपको, हजारीबाग हो गया, नवादा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, मानिए झंडा सगर जाता है, समझ गए ना। यहाँ से जो झंडा जो है हर जगह जाता है सप्लाई होके और यहाँ से माल जाता है और बाहर बाहर जो है से बिकता माल। यहाँ झंडा का कारीगर जो है जो सब नहीं बना पाता, कारीगर इसका नहीं है, बहुत सा लोग का झंडा बनाने का मालूम नहीं है जो कैसे बनेगा, लेकिन हम लोग का तजुर्बा बाप दादा खानदानी चीज आ रहा है इसलिए हम लोग बनाता है, क्योंकि हमको हो गया 66 साल हो गया। हाँ, ये तीसरा पीढ़ी है हमारा। ये तो हुनर हमारे पास है ना, इसका करते प्रयोग यही कि कपड़ा ला के गाहक दिया, हमने जो है मूर्ति पेंट किया हुआ उनको मूर्ति बोल दिए और बाकी कटिंग करना बनाना ही हमारा काम है। जहाँ जय श्री राम, जय श्री राम का भी प्रयास है इसमें, इसमें जय श्री राम लिखाता है। और कितना ऑर्डर आया है?
ऑर्डर आया 12 झंडा का, अभी तक 12 झंडा बन के भेज चुके हैं। ये बड़ा झंडा 30 झंडा था, उसमें 12 गया है, अभी 20 झंडा घर पे। ईद पड़ गया, ईद के मामला में बन नहीं पाया, काम से जाम हो गया। अब फाका हुए तब झंडा का काम हो रहा है। अभी झंडा जितना रात दिन करके बना रहे हैं, 17 के रामनवमी है, 16 तारीख को देंगे तब ना वो झंडा ले जाएगा भाई, तब ना उसको बना के। ये बिकता है तो 100-150, और जो बड़ा झंडा है वो 2500, 2500, 3000 से नीचे नहीं है। एक झंडा 700-800 सिलाई है, कपड़ा में 2000-2500 जैसा कपड़ा लेता है वैसा पैसा लगता है। और बहुत है वॉलवेट का झंडा है, उसमें ज़्यादा पैसा लगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो डिमांड है, बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी ऑर्डर आते हैं और वहाँ भी ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पहुँचाया जाता है। दर्श न्यूज़ के लिए गया से मनीष कुमार।